हेलो दोस्तों, की हाल चाल है। दोस्तों, आपके लिए लेके आ गए हैं हम जीके का इम्पोर्टेंट टेस्ट। आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा आप सभी की तैयारी कैसी है। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम राम है, आप देख रहे हैं जे स्टडी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों, आपको टेस्ट का रूल तो पता होगा, जो लोग नए उन्हें बता दें। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 या 4 सेकंड दिए जाएंगे उत्तर पता करने के लिए। प्लीज़ अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना आप सभी के कितने उत्तर राइट हैं। अब फोकट टेस्ट पर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान में फैले रेगिस्तान का नाम क्या है? आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड। आपने लगाया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका बिल्कुल राइट है, थार है। दोस्तों, राजस्थान में फैले रेगिस्तान का नाम थार है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है? आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जी, आपने लगाया ऑप्शन नंबर 2, आपका बिल्कुल राइट है, जीभ गार हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आवासीय खेलकूद परीक्षण केंद्र कहाँ है? आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जी, आपने लगाया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका बिल्कुल राइट है, माउंट आबू में है आवासीय खेलकूद परीक्षण केंद्र, याद कर लेना। आगे देखते हैं हम। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जी, आपने लगाया ऑप्शन नंबर 4, आपका बिल्कुल राइट है, कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। इस क्वेश्चन को याद कर लेना आप सभी, आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सोने के आभूषण बनाते समय इनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड, इसका राइट उत्तर हो जाएगा तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय तांबा दोस्तों धातु मिलाई जाती है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट किस खेल के साथ जुड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इजी क्वेश्चन है, सबको इसका उत्तर पता होना चाहिए। जी, आपने लगाया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका बिल्कुल राइट है, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट फुटबॉल खेल के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये रिपीट होता रहता है, तो इसको याद कर लेना आप ध्यान से। जी, आपने लगाया ऑप्शन नंबर 3, आपका बिल्कुल राइट है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चंद्रयान 2 शुरू होने की योजना कब बनाई गई थी? आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड। जी, आपने लगाया ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल राइट है, 2017 से 2018 चंद्रयान 2 शुरू होने की योजना बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। आगे देखते हैं हम। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है? आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी, आपने लगाया ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल राइट है, शनि है दोस्तों, सूर्य के एक चक्कर में दोस्तों समय ज़्यादा समय लेने वाला ग्रह शनि है, नोट कर लेना आप सभी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के कितने द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं? आपको दिए जाते हैं 3 या 4 सेकंड। जी, आपने लगाया ऑप्शन नंबर 2, आपका बिल्कुल राइट है, 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आप सभी को टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं जीके के। अब आपको नीचे कमेंट में बताना है आप सभी के कितने उत्तर राइट हैं। 10 में से आप सभी के 8 आते हैं, तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बता के जाना आप सभी। आज की वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाली घंटी जरूर दबा दो। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहे हैं, तो कोई सा वीडियो मिस ना करें आप सभी। एंड दोस्तों, अभी तक हमने पिछला वीडियो देखा है तो हमने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप जाके देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है वो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।